हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भिलाई स्टील प्लांट का कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ बैकलॉग्स वैकेंसी था। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था इस चीज़ को लेकर के, इसीलिए मैं सोचा कि इसका ऊपर एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पिछला साल का कुछ बैकलॉग्स वैकेंसी था, बहुत सारा मेरा दोस्त लोगों का ये क्वेरीज था कि क्या सर बैकलॉग्स वैकेंसी के लिए इस साल कट ऑफ कम जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कट आइडिया देने वाला हूं फ्रेंड्स कि बैकलॉग्स वैकेंसी होता क्या है और उसका ऊपर कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस साल। ये बेसिकली हम लोग बात करेंगे भिलाई स्टील प्लांट का जो एग्ज़ाम हुआ था OCTT का 24 मार्च को, ठीक है। तो क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में ही कुछ पिछला साल का कुछ बैकलॉग्स वैकेंसी था, इसीलिए हम लोग भिलाई स्टील प्लांट को लेकर के ही बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैकलॉग्स वैकेंसी क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको आसान होगा ये समझने के लिए। तो बैकलॉग्स वैकेंसी होता है फ्रेंड्स, कोई भी गवर्नमेंट या तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी होता है, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जब वैकेंसी आता है, रिक्रूटमेंट आता है, तो जब पूरा 100% फुल नहीं होता है तो वो लोग क्या करता है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कट ऑफ जो है कम नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कट ऑफ कम करेगा तो उसका जो जितना सारा पोस्ट आएगा 100% फिल हो जाएगा। लेकिन वो लोग क्या करता है फ्रेंड्स, कट ऑफ कम नहीं करता है, वो लोग एक मिनिमम कट ऑफ रखता है, उसका ऊपर जो जिसका आता है मार्क्स कट ऑफ का ऊपर, उसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर होता है और बाद में जो है सिलेक्ट भी होता है, ठीक है। और जिसका वो कट ऑफ मतलब हो गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो कट ऑफ से नीचे जिसका मार्क्स आता है उसका जो है रिटन क्लियर नहीं होता है और बाद में सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो मान लीजिए टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 वैकेंसी आया है, ठीक है, और कट ऑफ जो गया है फ्रेंड्स 70 मार्क्स जो है कट ऑफ गया है, तो ये कट ऑफ को लेकर के टोटल 80 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी 100 माइनस 80 टोटल 20 वैकेंसी फ्रेंड्स जो होगा वो बैकलॉग्स हो जाएगा, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन का जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसका साथ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। चाहे ये SC हो सकता है, ST हो सकता है, OBC भी हो सकता है, PWD हो सकता है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए भी हो सकता है। अगर पूरा नहीं, पूरा जितना वैकेंसी आता है पूरा फील्ड नहीं होता है तो बैकलॉग्स वैकेंसी मतलब यही हो गया कि लास्ट ईयर जो पोस्ट खाली था उसमें पूरा का पूरा स्टूडेंट एलिजिबल जो लोग नहीं था उन लोगों को नहीं लिया गया है, तो वो जो पोस्ट था जो वैकेंसी था इस साल ऐड किया गया है, इसी को बोलता है बैकलॉग्स, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, भिलाई स्टील प्लांट का इस साल जो बैकलॉग्स वैकेंसी था जो इस साल वैकेंसी के साथ ऐड हुआ है, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी था 23 और बैकलॉग्स वैकेंसी कोई भी नहीं था। मतलब पिछला साल जनरल कैटेगरी के लिए जो पिछला साल मतलब भिलाई स्टील प्लांट का जो लास्ट टाइम जब वैकेंसी आया था, रिक्रूटमेंट आया था OCTT का, उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जितना सारा पोस्ट था 100% फुल हो गया था, इसीलिए जो है एक भी इस बार बैकलॉग्स वैकेंसी नहीं था। और SC के लिए टोटल 16 वैकेंसी था इस साल, उसमें 2 वैकेंसी जो है बैकलॉग्स था। मतलब मान लीजिए पिछला साल 18 वैकेंसी आया था SC लोगों के लिए, मान लीजिए सपोज़, ठीक है, 18 वैकेंसी आया था उसमें 16 ही लड़का या लड़की सिलेक्ट हुआ है जो लोग अभी जॉब कर रहा है भिलाई स्टील में, और 2 पोस्ट अभी भी खाली था पिछला साल का, वो 2 पोस्ट इस बार ऐड कर गया है, ठीक है। SC के लिए 2 बैकलॉग्स वैकेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, ST लोगों के लिए टोटल 72 वैकेंसी इस साल भिलाई में आया है, उसमें 35 जो है बैकलॉग्स था, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी आया था भिलाई स्टील में ST के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट था और उसमें जितना सारा पोस्ट था पूरा का पूरा फिलअप हो गया था, बट 35 पोस्ट जो है वो खाली था ST लोगों के लिए, ठीक है, कुल मिला के। तो वो 35 पोस्ट इस साल जो है ST के साथ ऐड हुआ है, तो कुल मिला के जो है इस साल 72 वैकेंसी इस बार ST का था और उसमें 35 जो है बैकलॉग्स था। अगर हम लोग बात करेंगे OBC का एक भी बैकलॉग्स नहीं था, मतलब लास्ट ईयर जो वैकेंसी आया था उसमें OBC का 100% सिलेक्शन हुआ था, एक भी वैकेंसी बचा नहीं था। एक सर्विसमैन के लिए टोटल 16 वैकेंसी इस साल आया है, उसमें भी 0 बैकलॉग्स है, और PWD के लिए फ्रेंड्स 9 वैकेंसी इस साल आया है जिसमें 6 बैकलॉग्स है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बैकलॉग्स वैकेंसी के लिए आप लोग अगर सोच रहे हैं कि जो कट ऑफ है
वो कम होगा एसटी कैटेगरी के लिए बेसिकली, क्योंकि एसटी का जो है सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स वैकेंसी था इस साल। तो फ्रेंड्स कट ऑफ कम नहीं होगा बैकलॉग्स वैकेंसी के लिए, इसीलिए कम नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ अगर कम हो जाएगा तो एक भी बैकलॉग्स वैकेंसी नहीं रहेगा, मतलब जीरो हो जाएगा, 0% बैकलॉग वैकेंसी होगा। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट में ऐसा होता नहीं है। कट ऑफ से जितना कट ऑफ वो लोग निर्णय करेगा, जितना कट ऑफ होगा उससे ऊपर अगर होगा तो आपका रेटिंग जो है क्लियर होगा, और उससे अगर नीचे नहीं होगा तो आपका रेटिंग जो है क्लियर नहीं होगा, चाहे आपका सीट जो है खाली रहे। अभी मान लीजिए 10 आदमी का टोटल सीट जो है 10 आदमी का जो वैकेंसी मान लीजिए आया है, उसमें 8 आदमी का टोटल इंटरव्यू क्लियर हुआ है, मेडिकल वेडिकल सब होकर 8 आदमी का जो है सिलेक्शन हुआ है, तो 10 में से 8 आदमी को वो लोग लेगा, दो जो वैकेंसी रहेगा वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए, चाहे एससी हो एसटी हो जनरल हो कोई भी हो, ये रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए वो बैकलॉग वैकेंसी ऐड हो जाएगा। तो अगर कट ऑफ कम होगा फ्रेंड्स तो एक भी बैकलॉग वैकेंसी तो नहीं होगा, तो इसीलिए कट ऑफ का ऊपर बैकलॉग वैकेंसी का कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके लिए बैकलॉग वैकेंसी के लिए कट ऑफ जो है कम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे आदमी को लग रहा है कि एसटी का जो है 35 बैकलॉग था, मतलब 72 वैकेंसी था, जितना सारा स्टूडेंट अप्लाई किया था सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार भी हो सकता है कि 30 वैकेंसी वो लोग कैरी फॉरवर्ड मान लीजिए, अगर नहीं होगा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा नौकरी करने के लिए, तो वो लोग क्या करेगा, जितना हो सकता है पूरा का पूरा ले लेगा, उसके बाद जितना बचेगा उसमें जो है ऐड कर लेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आएगा उसमें बैकलॉग्स वैकेंसी जो है एसटी के लिए ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आई होप कि आपका पूरा क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ बैकलॉग वैकेंसी, और उसका बैकलॉग वैकेंसी के लिए भिलाई स्टील में जो OCTT का एग्ज़ाम हुआ था 24 मार्च को, बैकलॉग्स वैकेंसी के लिए कट ऑफ का क्या इफेक्ट होगा क्या इफेक्ट नहीं होगा पूरा का पूरा आपको पता चल गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिलहाल वीडियो इतना था कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट को, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि यूट्यूब में कोई भी आपको बताएगा नहीं। ठीक है, तो और जॉब रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं ही देता हूँ अपना चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में, और अपलोड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।